इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी के भद उस समय पिट गई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकते ही उसमें से उपयोग किए गए कॉन्डम नीचे गिरे। सारणी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भ्रष्टाचार के पुतले का दहन किया गया। पुतले के दहन करने के दौरान उसके भीतर बड़ी संख्या में भरे हुए कॉन्डम बिखर गए। उसे देखकर मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की हंसी नहीं रुकी, जबकि कुछ कार्यकर्ता शर्म से मुंह छिपाते रहे। इस दौरान SDOP रोशन कुमार जैन, TI रत्नाकर हिंगवे के अलावा महिला व जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष हेमंत वाग्रदे के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस घटनाक्रम के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष किशोर चौहान कुछ भी कहने से बचते रहे। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद इलियास इसे पुतला बनाने वाले बच्चों की नासमझी बता रहे हैं। भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। इतने सारे कंडोम कहाँ से आया समझिए, पुतले में? इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।